लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में हर एक पार्टी अपना कैंडिडेट मैदान में उतार चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सोनिया तंवर, जो कि इंडिपेंडेंट इस बार चुनाव लड़ने वाली हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनके जो है मैनिफेस्टो, क्या उन्होंने बनाया है, क्या कुछ रहने वाला है। मैम, सबसे पहले तो ये माइंड में आया कैसे कि मतलब आप एडवोकेट हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए? देखो नीरा, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक बहुत लंबे समय से हम लोग समाज में हैं और कार्य कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश का ऐसा कोई जिला, कोई विधानसभा नहीं जहां पर हमारे संगठन ने काम ना किया हो, और करनाल में तो हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मुझे लोकसभा में आने की जरूरत क्यों पड़ी, उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि मनोहर लाल खट्टर जी यहां से लड़ रहे थे और उनके विपक्ष में कोई नहीं था, तो मुझे ये था कि कभी ऐसा ना हो कि कोई उठे ही ना और वो जीत जाए। तो मेरे को एक तो ये बात थी मन में कि भाई कम से कम मैं भूमिका तो दर्ज कराऊं, हम लोग कम से कम कॉम्पिटिशन तो दें। और उसके अलावा एक कारण ये भी था कि कांग्रेस की उम्मीदवारी नहीं आ रही थी, कोई व्यक्ति यही नहीं कह रहा था कि भाई इसको टिकट मिलनी चाहिए, मतलब कुछ क्लियर नहीं था। तो मतलब मनोहर लाल खट्टर जी के आप नाम ले रही हैं, क्या उनके कामों से, जो उन्होंने इतने काम किए हैं, उनसे संतुष्ट नहीं थे? नहीं, मैं मनोहर लाल जी से परेशान नहीं हूँ, लेकिन मनोहर लाल जी खट्टर जी जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्य से हम संतुष्ट नहीं थे। हमने बहुत सारी जगह देखा कि उन लोग हमारा शोषण हुआ लगातार, हमने कानून व्यवस्था देखी, आप सब लोगों के सामने है, 2021-22-23 में हमारे साथ बहुत शोषण हुआ। किसी ने, किसी सरकार के किसी नुमाइंदे ने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। मैं एक आजाद नागरिक होते हुए खट्टर जी से मिलना चाहती थी और मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो मतलब ये सिर्फ अपनी पर्सनल रंजिश कह सकते हैं जिसकी वजह से आपको चुनाव में उतरना पड़ा खट्टर साहब के अगेंस्ट? नहीं, आप इसे पर्सनल नहीं कह सकते हैं, इसके अतिरिक्त भी शायद चेहरा मैं थी, शायद कंप्लेंट मेरी थी, लेकिन वो मैसेजेस, वो समस्या सभी लड़कियों के साथ थी, सिर्फ मेरे साथ तो नहीं थी ना, लड़कों के साथ भी थी। हजारों मुकदमे दर्ज हुए, कमल मिड्डा जी के साथ हुआ, सबके साथ ऐसे तरीके की वीडियो कॉल्स आती थी, सब परेशान थे, लेकिन किसी ने कोई मदद करने की कोशिश नहीं करी। और आज मैं इस देश की जनता को यह बताना चाहती हूं कि मैं पहली वो शिकायत करता हूं जिसकी शिकायत की इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द विदेश से होने वाली है, क्योंकि विदेशी नंबर से कॉल आई थी और हम लोग लगातार उसके लिए कोर्ट में लड़ रहे थे। और कोर्ट से अब एक एमलेट, एक फॉर्मेलिटी होती है जो विदेश में इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी होती है, वो हमारी पास हो चुकी है और बहुत जल्द विदेश से उसकी इन्वेस्टिगेशन क्लियर होगी। मैं पहली वो महिला बनी जिसने एक लड़ाई को इतनी मजबूती से लड़ा। आपके अगर प्लान्स की बात करें, क्या मैनिफेस्टो क्या तैयार किया आने वाले चुनावों के लिए? आप देखिए, हम एक सामान्य नागरिक की जो जो समस्याएं होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मुद्दे यही हैं, उनके पास भी यही थे, उन्होंने सिर्फ उन मुद्दों के ऊपर काम नहीं किया। काम नहीं किया कैसे कह सकते हैं, काम नहीं किया? अगर करनाल की मैं बात करूं, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें अभी मतलब स्कूल्स ना बने हो या बच्चे स्कूल्स ना जा रहे हो, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए, रोड्स अच्छी बन गई, बिजली गांव में भी जो है बिजली मतलब अब हर जगह बिजली आती है, चाहे हम गांव की बात करें, बैकवर्ड एरियाज की बात करें, बिजली तो हर जगह आती है। मैं आपको ऐसे ऐसे स्कूल दिखा सकती हूँ जहां पर टीचर्स नहीं है। अभी आपने पीछे देखा, बच्चे पैदल चल के आए थे अपने गांव से टीचर्स की मांग करने के लिए और जर्जर हालत में स्कूल, और आप ये कह रहे हो ना कि स्कूल बंद नहीं हुए। बोलो, मैंने अभी एक आरटीआई लगाई थी शिक्षा विभाग में, उसमें 2200 स्कूल पूरे हरियाणा में बंद हुए थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि शिक्षा को महत्व दिया? प्राइवेट स्कूल को कि इनोग्रेशन के लिए अगर हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री जा रहा है तो शिक्षा फिर कैसे बेहतर होगी? टीचर्स हैं तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो टीचर्स नहीं है, बताओ क्या चल रहा है। शिक्षा की बात करते हो, आप आए दिन कल्पना चावला के बाहर खड़े होकर वीडियो चलाते हो, दिल्ली रेफर कर दिया, डॉक्टर नहीं है, फलाना नहीं है, दिकड़ा नहीं है, जरूर रह गई, सड़कें बहुत सारी नहीं बनी, लेकिन सारे जो पब्लिक जिम्स हैं वो बनाए गए, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है करनाल का जिसमें पार्क्स ना हो। नहीं लगता कि डेवलपमेंट के काम बीजेपी ने किए हैं काफी सारे? मैं उत्तम नगर में रहती हूँ, हुड्डा के पार्कों को छोड़कर कौन सा पार्क ऐसा हरियाणा करनाल में जो उनसा बना हुआ हो, आप बताओ मेरे को। मेरे एरिया में चलो, हमारे वहां पर 7 एकड़ में एक पार्क बना हुआ है, उस पार्क की 4 दीवारी के अलावा अगर उस पार्क में कोई काम हुआ हो तो बताओ? घास को काटने तक भी कोई नहीं आता वहां पर। आप ओपन जिम की बात करो, चलो अगर एक भी ओपन जिम साबुत हो तो बता दो, कोई मेंटेनेंस की चलो कहीं ना कहीं कमी रहेगी, लेकिन ये तो हर सरकार होते हैं सीवरेज के, वो मतलब 6 महीने भी नहीं। आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन किस क्वालिटी से कर रहे हो, किस नियत से कर रहे हो? और रही बात पार्टियों की, हम तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले भी भ्रष्टाचारी थे, हम कब कह रहे हैं कि वो लोग बहुत अच्छे दूध के दुले थे? वो कांग्रेस से की बात आई तो कांग्रेस ने भी जो है अपना प्रत्याशी उतार दिया है फील्ड में, दिव्यांशु बुद्धि राजा, क्या कहना चाहेंगी, मतलब क्या लगता है एक सही डिसीजन है कांग्रेस का, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट उतार दिया गया है?
मैं भी कह रही हूँ भाई बाहरी कैंडिडेट उतार दिया, खट्टर जी भी बाहरी है, सोनिया जन्मजात करनाल से है, सोनिया को वोट दो। और रही बात आप, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने मेरे को ये बोला अभी कि पहले की सरकारों में भी ऐसा होता था, भाई पहले की सरकारों से जनता दुखी थी इसलिए बीजेपी को मौका दिया था, अब बीजेपी पे से दुखी है। तो फिर मैं सर लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि भाई अगर कांग्रेस से भी दुखी हो और बीजेपी से भी दुखी हो फिर हमें मौका दो, जरूरी है क्या उन्हीं को वोट पानी है, क्यों वोट डाली जा रही है उनको। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं सोनिया तंवर ने अभी तक क्या क्या किया करनाल की जनता के लिए। भाई मेरे पास कोई पावर थी क्या, एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या कर सकता था, आवाज ही तो उठा सकता था, मैंने आवाज उठाई ना उठाई हो तो बताओ किन किन चीजों के लिए आवाज उठाई। मैंने महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाई, विकलांगों की पेंशन के लिए आवाज उठाई, किसानों के लिए आवाज उठाई, शोषित पीड़ित लोगों के लिए आवाज उठाई, और बताओ मैं क्या कर सकती थी। और मेरे को दे क्या रखा है, मेरे कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे बाप दादाओं के कोई किले पड़े हैं जो मैं फूंक दूं, मैं जितना कर सकती थी उतना मैं कर पाई। अगर मुझे कोई पावर मिलती है, मेरी कलम में कोई किसी पद की कोई पावर आती है एमपी की, तो मैं जरूर कुछ करूंगी। क्या लगता है अगर अभी जो चार नाम देखे जा रहे हैं, इंद्रजीत हूँ, दिव्यांशु हूँ, खट्टर साहब हो आपका, आप इन चारों में से अपने आप को कहाँ पर देखती हैं, कहाँ स्टैंड करती हैं? मैं अपने आप को इन सब से अलग देखती हूँ, क्योंकि ये वहां से निकल कर आए हैं जहां राजनीति केवल उन घरानों की है जहां पर पैसों के पहले से बहुत बड़े पहाड़ लगे हुए हैं, और मैं वहां से उठ के आई हूँ जहां पर मैंने समस्याओं को देखा है, जहां मैंने गरीबी देखी है, मैंने लोगों के साथ बातचीत करी है। इनमें से एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बताया अब से पहले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, अपनी विधानसभा से बाहर नहीं निकला कोई सा व्यक्ति। आज बड़ा याद आ गया जी लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं, कल रात को 12:30 बजे इनकी लिस्ट आई है कांग्रेस वालों की, एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो लोकसभा की तैयारी के लिए घूम रहा हो। सब वेट कर रहे थे कि भाई नाम अनाउंस हो जाए उसके बाद चालू करेंगे वेट। ये लोग दिव्यांशु बुद्धि राजा को कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानती हैं? नहीं, मैं अगर ये कहूं कि और किसी को विकल्प बहुत बेहतर भी हो सकते थे, लेकिन शायद इतना मजबूत तो मैं नहीं मानती, हालांकि मैं तो मिली भी नहीं हूं आज तक, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे घर एक हमारे साथी आए थे, उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया था, उनके लिए वो कुछ अपील करने के लिए आए थे, लेकिन मैं कभी उनसे मिली भी नहीं और मैंने कभी उन्हें सुना भी नहीं है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है? बिल्कुल है, अपनी 2 सीट बचाने के लिए बाकियों को सबको बलि का बकरा बना दिया, मुझे ऐसा लगता है। 2 सीट बचाने के लिए बाकी को बलि का बकरा बना दिया, ये कैसे कह सकती है? रियलिटी यही है, कुछ दिन के बाद आपको पता चल जाएगा। अब आने वाले समय में बिजली, शिक्षा, ये सब तो सब कर रहे हैं, क्या अलग क्या करेगी सोनिया तंवर? मैं इन सब के रिजल्ट वाले काम करके दिखाऊंगी। इन सब लोगों ने क्या किया, किसी ने बिल्डिंग बना दी, मास्टर नहीं बनाए, हम रिजल्ट लेकर दिखाएंगे। मैं संख्या बढ़ाकर दिखाऊंगी उन स्कूलों में जहां पर आज 10 बच्चे हैं। मैं आपको बिट्टू एक जरा वो आरटीआई वाली फाइल निकाल के दिखाओ, आप एक आरटीआई वाली, मैं आपको बच्चे दिखाती हूँ स्कूल में कितने कितने बच्चे हैं, एक एक क्लास में 10-10 बच्चे हैं। मैंने पूरे करनाल जिले की आरटीआई लगाई थी जिसमें हमें ये पता चला कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, 10-10, 20-20, 25-25 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पर टीचर इतने सारे हैं। आपको स्पॉन्सर कौन करेगा इलेक्शन लड़ने के लिए? चुनाव में खर्चा तो बहुत होता है। नहीं, मेरे को खर्चा की वो नहीं है कि बहुत खर्चा होने वाला है कोई, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सबके राजनीतिक बैकग्राउंड्स हैं, सब शायद वही चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए बच्चे हैं। मैं जनता से मांग लूंगी और मेरे को देखो पेट्रोल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक वकील हूँ, 2 पैसे का मेरा ठीक ठाक भी होता है, लेकिन इतना नहीं है मेरे पास जितना इन लोगों के पास है जो ये लोग आग लगाएंगे, मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन मैं लोगों तक पहुंच जरूर जाऊंगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचेंगे और अभी क्या कर रही है, चुनावों को लेकर प्रिपरेशन कैसे चल रही है? हमारा संगठन पूरे हरियाणा में काम कर रहा है, हमारा पूरा संगठन आने वाले 1 महीने तक करनाल लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा के ऊपर काम करेगा, और हर गांव में सबकी रिश्तेदारियां हैं, हम लोग हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप सब पत्रकार साथियों का सहयोग भी लूंगी और उसके अलावा भी न्यूज़पेपर और एड्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अपने लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आप लोगों तक नहीं भी पहुंच पाती हूँ तो प्लीज़ आप लोग एक बार ये जरूर प्रयास कीजिएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। हमारा शोषण लगातार हुआ, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया, अब हमें विकल्प की राजनीति करने की जरूरत है।
चारों कैंडिडेट्स में से आप एक महिला कैंडिडेट है, महिलाओं के लिए क्या सोचा है, महिलाओं के लिए क्या करने वाली है, कुछ अलग सोचा है दिमाग? देखो ऐसा है, बीजेपी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस ने पिछले 10 साल इस बात का जलूस निकाला, ये बचाएंगे बेटी ये पढ़ाएंगे बेटी। और मैं इन सब चीजों के अलावा एक बात कहना चाहती हूँ, बेटियां पढ़ेंगी भी, बेटियां बड़ी भी होंगी, आगे भी बढ़ेंगी, लेकिन मैं बेटियों को मानसिक रूप से मजबूत करने का काम करूंगी। कोई स्ट्रेटेजी सोची है इसके लिए आपने? अगर मैं अभी बता दूंगी तो फिर पब्लिक को क्या बताऊंगी, फिर लोग कॉपी कर लेंगे मेरी स्ट्रेटेजी को, इसलिए मैं उन सबके ऊपर नहीं जाना चाहती हूँ। तो अगर रेटिंग की बात करें, खुद को कहाँ रेट कहाँ करती हैं आप, ए बी सी डी अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, तो चारों कैंडिडेट्स में से अपने आप को कहाँ देखती हैं, कौन से नंबर पर? मैं टॉप में देख रही हूँ अपने आप, नंबर वन पे। आपके सर्वे के हिसाब से भी, आपके कमेंट्स के हिसाब से भी फिलहाल तो मैं टॉप पे ही चल रही हूँ। चलो आपने सुबह एक पोस्ट आपने ही डाली थी और मैंने आप ही के पोस्ट देखी थी और उसमें हम टॉप पे चल रहे हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगा। देखिए रिजल्ट जो है वो एक बहुत मैटर करता है और हमने हमेशा रिजल्ट वाली लड़ाई लड़ी। अगर कोई भी मुद्दा कोई भी आंदोलन अगर हमने उठाया तो हम रिजल्ट लेकर उठे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी लालच में बिक गए हों। और ये राजनीतिक स्तर पर आज मैं आई हूं उसमें भी मेरा यही कहना है कि हम किसी भी हालत में बैठने वाले कैंडिडेट नहीं है, हम टक्कर देंगे और बराबर की देंगे। एक आखिरी सवाल, लोग सोनिया तंवर को क्यों चुने? जो खट्टर साहब है वो बहुत पहले से राजनीति में है, दिव्यांशु बुद्धिराजा है वो भी अपने कॉलेज टाइम से राजनीति में है, इंद्रजीत जी हैं वो भी पुराने पॉलिटिशियन है, सोनिया तंवर तो अभी अभी राजनीति में आई है, तो लोग सोनिया तंवर को मौका क्यों दें, क्या अलग होने वाला है? पहली बात, मेरा जन्म करनाल में हुआ था, मैं जन्म मतलब से कर, यहाँ पे भी भारी भारी खेल रहे हो, भारी भारी नहीं मैं बताना चाहती हूँ, बताऊँ क्यों ना, जब लोग हमारे नाम पर जुलूस निकालते हैं तो क्यों ना मैं उन्हें बताऊँ मैं करनाल की हूँ, मैं देश की बेटी हूँ, मैं एक वो बेटी हूँ जो पुरुषों से बढ़कर आगे रहती हूँ, मैंने हमेशा पुरुषों से ज्यादा जोर से अपनी आवाज लगाई, लोगों को समझाने का प्रयास किया, उसके अतिरिक्त आज भी और पहले भी हम लोगों के बीच में रहे। मैं ऐसा नहीं है कि अब चुनाव आ गया तो मैं एकदम से सक्रिय होगी, मैं उससे पहले भी सक्रिय रही हूँ। और अगर कुछ आदमी ये कहना चाहते हैं कि भाई हम तो सोनिया को जानते नहीं, भाई मौका मिलेगा तो जान जाओगे, मौका मिलेगा तो जान जाओगे, खट्टर जी को कौन जानता था, कह रहे थे कि साइकिल पे आए थे और आज इतने लाखों की गाड़ी में घूमते हैं। ये बात तो आपने दिव्यांशु बुद्धिराजा के लिए बोली कि उन्हें तो मैं जानती नहीं थी, उन्हें तो लोग भी जानते नहीं है, तो उनको भी फिर लोग जान ही जाएंगे, लेकिन वो जब जानेंगे वो करनाल में बताए ना कि उन्होंने क्या किया, हम तो बता रहे हैं कि हमने क्या किया। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट सोनिया तंवर, जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। आप लोगों की इस मामले पर क्या कुछ राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पानीपत के और आरटीआई में हमने देखा था कि बहुत कम बच्चे स्कूल में जाते हैं, खाने की व्यवस्था, स्कूल की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अगर आप हर जगह बात करेंगे तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी। अभी पीछे आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कितना आंदोलन किया, सिर्फ उनके साथ बोन साइन करवाना चाहते थे, बात यह कि बिल्डिंग देंगे, फर्नीचर देंगे, डॉक्टर नहीं देंगे। आप ये बताओ ना, तो बिल्डिंग से कोई मरीज बचने वाला है ना फर्नीचर से बचने वाला है, बचेगा तो डॉक्टर की मदद करने से बचेगा, लेकिन अगर डॉक्टर ही ना हो तो फिर क्या करेंगे? झलू मतलब मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो बेहतर नहीं है तो हम विकल्प के रूप में बहुत बेहतर है। बिल्कुल, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि आप ही को वोट दें? मेरी हमारे करनाल लोकसभा वासियों से सभी से ये निवेदन है कि मेरा नाम एडवोकेट सोनिया तंवर है, आजाद उम्मीदवार के रूप में आप लोगों के बीच में आई हूँ, हमेशा आप लोगों के बीच में आती रही हूँ, आप लोगों की समस्या को हमेशा मैंने सुलझाने का प्रयास किया है। आजाद उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा प्रत्याशी है और आने वाले चुनाव जो है लड़ने वाली है, तो आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें कि आप लोग आने वाले समय में किसको वोट देकर जो है यहाँ का एमपी देखना चाहते हैं, कमेंट में अपने राय जरूर दीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे अन्य